साक्षी, मुझे त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन करने हैं। कराओ। त्र्यंबकेश्वर जी कहाँ हैं? कहाँ हैं? नासिक। अरे मैं तो हर हफ्ते जाता हूँ, कभी भी चलो। कल? हाँ कल चलो। थैंक यू साकेत। वेलकम राशि। कानपुर से मम्मी का फोन आया था। किसकी? किसकी? मेरी मॉम कहाँ रहती है साकेत? लखनऊ। और कानपुर में? मेरी। तो मैंने अभी क्या कहा? क्या? कानपुर से फोन आया था। किसका? यार ये फोन जो है ना, बकवास चीज है, पता है? इट्स वेरी एडिक्टिव। इसको बंद कर रहा हूं मैं अभी। शिटिया, सही में ही बंद हो गया। नहीं नहीं फोन पे ही रहो तुम, और मुझसे भी तुम फोन पे ही बात किया करो। हाँ ये सही है। नहीं फोन पे ही बात करनी चाहिए एक दूसरे से, और बात पसंद नहीं आए तो फोन काट दो। 3 साल हो गए, बोर हो गए हो तुम? 3 साल हो गए क्या? हाँ 3 साल में तो बोर हो जाता है आदमी, सही बात है। और बताओ एक्वा का ठीक हो गया? पानी आ रहा है? हेलो सर जी, मैं एक हाँ आओ आओ यार, क्लासिक टाइमिंग बॉस। राशि तुम्हारे दोस्त आए हैं। एक्वागार्ड। हेलो जी, आप एक्वागार्ड से आए हैं? जी नहीं मैम, मैं दरअसल हिस्सा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। नहीं नहीं सर, वो फोन की बैटरी चली गई थी। मैम हम लोग एड्स के मरीजों को सोसाइटी का हिस्सा बनने में उनकी मदद करते हैं, तो क्या आप प्लीज हमारी संस्था के लिए थोड़ा डोनेशन देकर? नहीं कोई जरूरत नहीं है। हाँ हेलो, ये एनजीओ का प्लान। अरे वो बॉस आप जाओ। हाँ हाँ सर, 2 मिनट बाहर रुकेंगे, मैं अभी आई। अरे भाई साहब बोला ना मैंने, प्लीज गो। नो सर आपसे नहीं कह रहा हूँ, वो आ गया था कोई घर में। आज? अच्छा क्या हुआ, किसका फोन आ गया कि टेढ़े हो गए? अरे टेढ़े बॉस का फोन था यार, छुट्टी के दिन ऑफिस बुला रहा है। तुमने पैसे क्यों दे दिए? छुट्टी के दिन भी तुम ऑफिस जाओगे? अरे तुम छुट्टी को छोड़ो, मैं मना कर रहा था, तुमने पैसे क्यों दिए उसको? हाँ दे दिए बस। ये फ्रॉड होते हैं ये सब लोग, पता है? उसने अपना कार्ड दिखाया था, ठीक है? अरे यार ये मुंबई में लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, ये कार्ड वार्ड कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारा इंटेंशन तो एड्स के मरीजों की मदद करने का था ना। अरे एक तो ये एड्स, एड्स साकेत प्लीज यार वापस वही बात शुरू मत करो। हाँ मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर इतना गवार कैसे हो सकता है? ऐसे और ये मदद वदद से ना आदमी और हेल्पलेस हो जाता है। मतलब पैसा बनाने का धंधा है ये सब, ये सारे एनजीओ, सोशल वर्कर, ये डॉक्टर्स, ये सब पैसा बनाते हैं गरीबों को डरा डरा के। एड्स हो गया, एड्स हो गया, एड्स हो गया। जब तक पता नहीं होता आदमी को तो अच्छा खासा काम पे जा रहा होता है, जिस दिन पता चलता है एड्स हो गया बिस्तर पकड़ के लेट जाता है। साकेत तुम्हें पता है ना एड्स एक खतरनाक लाइलाज बीमारी है। ये जो डर है ना ये लोगों के मन में, ये सबसे खतरनाक और लाइलाज बीमारी है, बाकी सब बिजनेस है और कुछ नहीं। यू आर अनबिलीवेबल साकेत। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि एड्स वेड कुछ नहीं होता, ये बकवास है सब। सुबह दूध पियो, च्यवनप्राश खाओ और काम पे जाओ। What? एक दिन सबको मरना है। भगवान ना करे, भगवान ना करे कल को अगर मुझे एड्स हो गया तो मैं ऐसे डर के नहीं बैठूंगा, रोऊंगा नहीं बैठ के, काम पे जाऊंगा ऐसे। अरे राशि पिछले हफ्ते तुम कहीं जाना चाहती थी ना, तुंगारेश्वर।
त्रंबकेश्वर। हाँ त्रंबकेश्वर, तो क्या हुआ, गई क्यों नहीं? वो एड्स वाले आइटम की वजह से मूड खराब हो गया? एड्स वाले आइटम की वजह से? अच्छा अच्छा ठीक है यार, मेरी वजह से मूड खराब हो गया। इस हफ्ते तो मूड सही है, क्यों नहीं चल रही हो? मूड अभी भी खराब है मेरा, और वैसे भी तुम तो हर हफ्ते जाते हो। फिर कभी। As you wish. साकेत सुनो। हाँ? वैसे मैं कहना नहीं चाह रही थी, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा है। क्या सही में? स्टॉप इट साकेत। क्या हुआ? प्लीज संभल कर जाना। ओफो, बड़ा प्यार आ रहा है, हैं? आज मैंने एक अजीब सा सपना देखा। क्या देखा? छोड़ो, मुझे नहीं बताना। अरे बताओ ना, क्या देखा सपना? वो तुम्हारा कानपुर का दोस्त है ना, पुलकर, पुष्कर नाम है ना उसका? हाँ पुष्कर, वो तुम्हारे सपनों में आ रहा है? साकेत बस करो। तो क्या क्या किया उसने? मैंने देखा कि नासिक जाते वक्त वो तुम्हें हाईवे पे मिलता है, और छोड़ो मैं नहीं बता सकती। लो तुमने अभी तक कुछ बताया ही नहीं है, क्या क्या होता है आगे? सपना ही तो था, जाने दो। अजीब हो यार तुम, बताना है नहीं बताना है, बताना है नहीं बताना है, मत बताओ, मैं जा रहा हूं। प्लीज संभल के जाना। ये क्या कर रहे हो तुम? संभल के जा रहा हूं। लव यू। लव यू। सीट देना भाऊ। इकड़े चल ले का? इधर जा रहे क्या? इधर। हाँ इधर जा रहे। जा मग। भाई साहब बच गए आप। मतलब इसका रोज का है, किसी भी आदमी से पूछता है इधर जा रहे हो क्या, वो इससे बचने के लिए कह देते हैं इधर जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ जाता है फिर उतरता नहीं है, पैसे दे के उतारना पड़ता है उसे। पूपू का कर रहे हो बे? पू होगा तू? साले नाम भूल गई है, याददाश्त गई हैं? नहीं नहीं मैं नहीं नहीं क्या बे? तुम खुश नहीं हुए हमको देख के हैं? हुआ पर फलान हुआ, साले डर रहे हैं जैसे हम भूत हैं। हैं बे? नहीं नहीं फिर नहीं। अबे घर है मेरा पहले। पर तुम यहाँ कैसे? मतलब अरे तुमसे मिलने। मुझसे मिलने मतलब? भाई मुंबई में मिलना था, यहाँ मिल ली तुमसे। पर कैसे? तुम कैसे? मैं गाड़ी से। कहाँ जा रहे हो? नासिक। तो चलो गाड़ी बैठ के बात करते हैं। नहीं तुम यहाँ आए कैसे? वो अबे सब यहीं जान लोगे क्या? आओ भाई साहब 10 रुपए। हाँ ये लो। हाँ अब तुम ये बताओ तुम आए कैसे? चल के। कहाँ से? कानपुर से यार। अबे ओ कोलंबस की औलाद, मजाक बंद कर। अबे मिलन सुमन दिल्ली से मुंबई दौड़ के आ जाता है, तो क्या हम कानपुर से चल के मुंबई नहीं आ सकते क्या बे? हैं? अबे क्या बोल रहा है यार, सही से बताना। कसम से मजाक नहीं कर रहा है, बता दे रहे हैं। अरे भाई चलने का जो मजा है ना, हम तो ये कहते हैं भैया एक बार ये एडवेंचर हर किसी को करना चाहिए। क्या मतलब मैं समझा नहीं, तुम सही में कानपुर से यहाँ तक पैदल? क्या पूरा शुरू से बता। अरे क्या है भाई जी, हम बहुत बीमार हो गए थे। हाँ। चरपाई पे पड़े पड़े बोर हो गए थे, घर वालों ने हिलने से मना कर दिया था। हम सुबह 4 बजे उठे। हाँ। जूते पहने, कपड़े पहने। हाँ। और एक दिन घर से बाहर निकल लिए, और जो हमने हल्के हल्के चलना शुरू किया है,
हैं तो इतना अच्छा लगने लगा कि हमने धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दिया। हमारे अंदर जैसे एक ताकत आने लगी भाई जी की। जैसे हम खुले आसमान के नीचे आए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बहुत दिन के बाद कालकोठी से बाहर निकले हों। फिर हम चलते चले गए, हमने दौड़ना शुरू कर दिया तो थकन की जगह बला की जान आती जा रही थी। हवा से बातें करने लगे और एक टाइम पर ऐसा लगने लगा कि जैसे हम पूरी दुनिया को पार कर जाएंगे। भागते गए तेज और तेज और तेज और भागते भागते हम तुम्हारे पास आ गए। लग रहे हैं कि हम बीमार हैं? नहीं। अबे भाई जी, हड्डियां निकल आई थी, हड्डियां ढांचा बन गए थे हम, अब देखो हमें। अबे कुंजन, मुझे फोन क्यों कर रही है? मैं बात कर मजे लेते। हेलो हेलो भैया। हाँ गुंजन जी, आपसे एक बात करनी थी भैया। बताओ क्या हाल है जी। वो आपके दोस्त बहुत बीमार थे तो वो असल में बहुत पहले बताना चाहिए था पर बताया नहीं। वो उनकी बीमारी लाइलाज एड्स हो गया था उन्हें। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? सॉरी भैया, पर हमें उन्होंने कसम दे रखी थी कि किसी को कुछ ना बताएं। उनकी आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी और 4 दिन पहले अचानक वो घर से गायब हो गया। यही ना, वो घर से गायब होके सीधा यहाँ पे आया, मेरे पास आया है। वो मेरे साथ में बैठा है, लो बात करो। अबे पकड़ना। अरे यार। हाँ गुंजन, हेलो। अरे यार रोको, रही हो यार? अरे गुंजन मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। हेलो गुंजन, अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, अबे यार तू बात कर यार। हेलो हेलो गुंजन, वो तुमसे बात कर रहा है, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? ये क्या कह रहे हो आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैंने अभी उसको फोन दिया था ना। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया भैया, आप मेरी बात सुनिए। अभी 4 दिन पहले उनका दाह संस्कार हुआ है। अरे ऐसा कैसे, वो मेरे साथ में है भैया। आप, वो आपके साथ कैसे हो सकते हैं? आप जरूर कोई भ्रम हुआ है। सुनिए सुनिए, हमारी बात सुनिए। हमने आपको इसलिए फोन किया था कि 20 तारीख को उनकी तेहरवी है भैया, आप आ जाइएगा जरूर। अरे कैसे हो उसको? फोन रखते हैं भैया, अपना ख्याल रखिए। साकेत, क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बुलकर की बीवी का मुझे फोन आया, वो कह रही है उसको एड्स हो गया और 4 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। क्या? नहीं। हाँ, और वो तो मेरे साथ गाड़ी में बैठा है अभी। तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है वो? अरे यहीं बैठा है मेरे साथ गाड़ी में। क्या साकेत? हेलो बुलकर। हेलो, क्या हुआ? बुलकर, अरे वो पता नहीं कहाँ चला गया, अभी था मेरे साथ वो। देखो तुम एक काम करो, वहां से निकलो। प्लीज प्लीज वहां से निकलो। हाँ हाँ हाँ। और अपना ख्याल रखना। हाँ। बुलकर,
अरे तेरी, अबे साले डर तो ऐसे रहो जैसे हम कोई भूत है बे। मारें कंटा तो पूछोगे कि पंजीरी कहां बढ़ रही है बे। चल साला डराने चले तो उल्टा हमें डरा दिया। क्या हुआ बे, कुछ बताओगे बे? अरे यार वो गुंजन का फोन आया था, वो कह रही थी कि 4 दिन पहले तुम्हारी डेथ हो गई है बे। क्या अनशन बक रहे हो, हम मर गए? हम भूत हैं? हाँ भूत हैं, हम भूत हैं, छू रहे हैं, हम आर पार हुए, आर पार हुए हैं तो। अरे यार मेरे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम एक मिनट बाहर आओ, एक मिनट, मेरे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुझे क्या बीमारी थी? एड्स। और तुम कानपुर से कब निकले थे? आज क्या डेट है? 11/7 को। तुम्हें लगता है कि 4 दिन में आदमी पैदल चल के कानपुर से बंबई पहुंच जाएगा? तू कहना क्या चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार कुंजन फोन पे कह रही थी कि तू 4 दिन पहले तेरी डेथ हो गई। तभी थकान नहीं हुई, बीमार से स्वस्थ हो गए, ना कुछ खाया ना पिया, इतना दौड़े थके नहीं, बिना रुके चलते रहे, ना खाया ना पिया ना हगे ना मुते, साला भागते रहे। पुलकर भागते रहे। अरे दैया रे पुलकर। अरे हम मर गए बे। पुलकर हम मर गए, अब ऊपर से रोशनी आएगी और हम ऊपर चले जाएंगे। अरे ऊपर 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 पुलकर रुको, अरे तुम मुझसे क्यों मिलने आए थे? हैं मुझसे क्यों मिलने आए थे? ओ हाँ हाँ, तभी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। हम तुमसे एक बात कहना चाह रहे थे। क्या? तू मेरी बहन की शादी में आया था ना 3 साल पहले। हाँ और तुझे एंड टाइम पे रेजर नहीं मिल रहा था, तूने मेरा रेजर यूज कर लिया था। मैंने तुझे मना किया था कि मेरा रेजर मत ले, लेकिन तूने कहा साले तुझे एड्स है क्या? उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मुझे एड्स है। ओह शिट साकेत, एक बार तू अपना चेकअप जरूर करा लेना। गुंजन हैं? कहाँ है? ये तो रही गुंजन। कहाँ है गुंजन? अरे ये दिख नहीं रही गुंजन। अरे ये तुमको ये दिख रहा है? हाँ। तुमको ये दिख रहा है? तुझे ये नहीं दिख रही? पागल हो गया क्या? कहाँ है गुंजन? ये तो रही यार। पागल है क्या? अरे ये राशि, अरे ये क्या कर रहे हो? क्या हो रही है? अरे यार गुंजन 2 मिनट तो होल्ड करना चाहिए था यार, क्यों बे? अबे जब खुद को एड्स होते दिखा तो फटली है कि एड्स कुछ नहीं होता। अबे क्या 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 हो क्या रहा है? सॉरी साकेत, उस दिन जब तुम ऑफिस गए थे ना छुट्टी वाले दिन, तो याद है अपना फोन घर भूल आए थे और इन्होंने आपको फोन किया, पता चला राशि का मूड खराब है एड्स वाली किसी और बात। कल हम आ गए थे, होटल में रुके हुए थे और जैसे तुम नासिक के लिए निकले हम तुम्हारे पीछे पीछे हो लिए। क्यों मजा आया बे? यार वो एड्स वाला झगड़ा इनको पता नहीं क्या? एक मिनट राशि को कुछ नहीं कहेगा बे, तू जो बकना है मुझसे कह, तू समझे? राशि को कुछ कहा लग जाएगी। बातों के थे 30 मार्का, बनते थे बिंदास, कहते थे जी मस्त रहो खाके चावन प्राश। बातों के थे 30 मार्का, बनते थे बिंदास, कहते थे जी मस्त रहो खाके चावन प्राश। बीगी बिल्ली बन गए हाय, बनते बड़े थे चींते, रॉकेट हो गई
पकड़ वो सारी हवा में खा गई कोते उड़ गए तोते तोते उड़ गए तोते उड़ गए।